तंजानिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में घनी आबादी वाला पूर्वी अफ्रीकी देश है। देश में एक बड़ी समस्या पीने के लिए पर्याप्त साफ पानी न होना है। भले ही उनके पास ताजे पानी की एक बड़ी झील है, फिर भी वे सभी के लिए पर्याप्त पानी पाने के लिए संघर्ष करते हैं। दार एस सलाम जैसे शहरों में तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने जल संसाधनों पर दबाव डाला है। इसे ठीक करने के लिए तंजानिया सरकार ने लेक विक्टोरिया जल आपूर्ति परियोजना विस्तार शुरू किया। एमईएल इस प्रोजेक्ट के दो हिस्सों को बनाने में मदद कर रहा है। पहले हिस्से का मुख्य उद्देश्य कियामबोर्ड, सिंगिडा, मन्योनी, चामविनो, चेम्बा और मुगमू को स्वच्छ पानी प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि दूसरे हिस्से में कुसलू, तमांडा, सिकोंगे और उरम्बो को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का दायित्व होगा। इसमें एक ऊपरी और जमीनी जलाशय, जल कियोस्क का निर्माण और दार एस सलाम को विभिन्न शहरों से जोड़ने वाली 225 किलोमीटर की केंद्रीय जल पाइपलाइन बिछाना शामिल है।